रांची प्रेस क्लब में पिछले 7 दिनों से चल रहा धरना आज समाप्त हुआ। समाचार प्लस के पत्रकार बैजनाथ महतो के हमलावर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह के साथ दर्जनों पत्रकार धरने पर बैठे थे। झारखंड की राजधानी रांची के पत्रकार बैजनाथ महतो पर 12 तारीख को जानलेवा हमला किया गया। हमले के 2 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह के नेतृत्व में पत्रकारों का आंदोलन शुरू हुआ। इस विरोध को पूरे झारखंड के पत्रकारों का साथ मिला। मांग सिर्फ एक थी, बैजनाथ के हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करो। और आखिरकार इस दबाव का नतीजा ही है कि बिल में छुपे आकाश बेंगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन कर रहे पत्रकारों का आंदोलन समाप्त करवाने और उनका शुक्रिया अदा करने समाचार प्लस के डायरेक्टर सावन सिवेश और संपादक ब्रजेश रॉय प्रेस क्लब पहुंचे, जहां बुके देकर आंदोलन को समाप्त करवाया गया। ये धरना कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी बैजनाथ के मामले में, उसी समय मैं कहा था कि इसको क्रमबद्ध आंदोलन में चलाऊंगा, आप ही लोगों के समक्ष मैंने कहा था। और ये इसमें ये कहा था कि धरना के संदर्भ में मैंने कहा था कि मैं जब तक बैजनाथ पर जो हमला किए है वो अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तब तक मैं ये धरना जारी रखूँगा। बैजनाथ के जो हमलावर थे वो गिरफ्तार हो गए हैं, आज वाइंड अप हो रहा है, लेकिन ये क्रमवार जो आंदोलन का जो हमारा है, चूँकि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ ये मुद्दा नहीं है। और कम से कम इस मामले को लेकर के जो पत्रकार एकजुटता हुई, खास करके मैं मतलब तमाम जो आंचलिक पत्रकार हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे भी मैं कहीं भी जाता हूँ अखबार में, इतने वर्षों का मेरा अनुभव रहा है, पत्रकार की मीटिंग में भी मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अंचल के जो पत्रकार हैं वो हमेशा अखबार की रीढ़ होते हैं, और इस प्रेस क्लब के लिए भी उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि ये प्रेस क्लब के भी रीढ़ वही है। जो मूवमेंट चल रहा था, जैसे ही उन लोगों का जो आया समर्थन, और उसके बाद हर जगह पर DSP साहब की आवाज़ को, थाना को, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को, वो लोग अपना धरना प्रदर्शन किए, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। और जो एकता प्रदर्शित हुई वो मैसेज गया, उससे कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बना। जब घटना हुआ था पूरा बैजनाथ के साथ में, तब एक बार ऐसा लगा कि जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं जाएगा, और उस पुलिस बहुत सुस्त थी पूरे मामले को लेकर। हमारे अध्यक्ष जी अकेले सबसे पहले धरने पर बैठे, उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, और एक वक्त आया जब पुलिस पर भी प्रेशर बना, कई राजनीतिक सामाजिक संगठन हमारे साथ जुड़े, उनका सहयोग मिला, और जो ग्रामीण पत्रकार हैं, अंचल के जो पत्रकार हैं, उनका साथ मिला, तो सब सारा जो एक सारे लोगों का जो एक प्रयास था उससे एक अच्छा जो था दबाव बना पुलिस के ऊपर, और पुलिस ने फिर कार्रवाई की और ये पकड़ा गया आरोपी। लेकिन ये सबक है कि हम लोग जब इतना एफर्ट लगा तब पुलिस ने कार्रवाई की। सवाल ये कि जब आम लोगों के साथ कोई घटना होगा तब क्या पुलिस ऐसे एक्टिव होगी बिना किसी प्रेशर के? तो ये पुलिस को भी सोचना चाहिए कि इतना एफर्ट नहीं लगे किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, पुलिस पहले कार्रवाई करे किसी भी के भी साथ में घटना हो तो। बहरहाल समाचार प्लस की पूरी टीम तमाम पत्रकारों को उनके साथ और उनके सहयोग के लिए दिल से शुक्रिया अदा करती है। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।